हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने किचन प्रत्यांश किचन में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाश्ते की रेसिपी। ब्रेड की एकदम न्यू रेसिपी है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। मैंने इसे सर्व किया है केचप के साथ। आप ग्रीन चटनी के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। और मैं इसे तोड़ के इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सॉफ्ट के साथ इतना ये चटपटा है ना कि एक बार आपने इसे बना लिया तो ब्रेड जब भी लाएंगे घर पे तो इस नाश्ते को बना कर ज़रूर से ट्राई करेंगे और ये झटपट बन के तैयार भी हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 बॉइल्ड आलू लिए हैं। आलू को आपको ऐसे कद्दूकस कर लेना है। आलू थोड़े से ठंडे हो गए हैं इसलिए मैंने कद्दूकस किया है। अगर गर्म आलू है तो हाथों से मैश करेंगे तो अच्छे से वो मैश हो जाते हैं। तो देखिए, आलू को सारे ऐसे ही कद्दूकस कर लेंगे। उसके बाद से इसमें हम ऐड करेंगे ये आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच डालेंगे चाट मसाला और साथ में ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। यहाँ पे आप हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हल्दी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। और यहाँ पे धनिया का पत्ती भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल में था नहीं, थोड़ा सा देर हो गया इनको लाने में तो मैंने इसमें धनिया पत्ती ऐड नहीं किया है। अगर आपके पास है तो धनिया पत्ती ज़रूर से ऐड करें। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है। ब्रेड मैंने 6 पीस लिए हैं, देख सकते हैं। अब इस पे ना जो हमने स्टफिंग जो आलू का मिक्सचर बना के रेडी किया है ना उसे इस पे लगा के और चारों तरफ अप्लाई कर देंगे। ये ना ब्रेड का नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। आप सबको सच में बहुत पसंद आएगा, बहुत स्वादिष्ट था ये। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ना चारों तरफ ये जो आलू की स्टफिंग है वो चारों तरफ लगा दी है। यहाँ पे आप ब्रेड पे चाहें तो ग्रीन चटनी भी अप्लाई करके उसके बाद से स्टफिंग को लगाएं। यहाँ पर मैंने ना मिक्सचर के ऊपर मैंने केचप डाला है और इसको चारों तरफ फैला दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। अभी चारों तरफ फैलाने के बाद हम क्या करेंगे कि दूसरा वाला जो ब्रेड है ना उसके ऊपर हम ऐसे अच्छे से प्रेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। पलट के भी अच्छे से फ्लिप कर देंगे। अब इसे क्या करेंगे कि 4 भाग में हम बांट लेंगे, ये देख सकते हैं। तो इसे हम ना पतले पतले थोड़े से, बहुत पतला भी नहीं, जैसे अगर आपको थोड़ा सा मोटा चाहिए तो 3 भाग करें, नहीं तो मेरी तरह 4 भाग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा फूलते हैं, तो आप 4 भाग ही करें। ये देखिए काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है देखने में और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ये ऐसे ही अपने सारे ब्रेड को ना स्टफिंग डाल डाल के अप्लाई करके अच्छे से और सारे ऐसे ब्रेड कट कर लेंगे। उसके बाद से हम इसका बैटर तैयार करते हैं। तो बैटर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 बाउल, उसमें डाल देंगे 1 कप बेसन। ये जितने भी ब्रेड के स्लाइसेस हमने जो 6 पीस लिए थे, 1 कप बेसन एकदम परफेक्ट रहेगा, मतलब सारे कोट होके आराम से फ्राई हो जाते हैं, कम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और चिली फ्लेक्स और स्वाद के अनुसार नमक ऐड किया है। बारीक धनिया की पत्ती इसमें डाल देंगे और इसमें डालेंगे 1 कप पानी, मतलब 1 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन पहले आधा कप या 3/4 कप ही डालें, उसके बाद से ही पूरा पानी ऐड करें। नहीं तो कभी कभी होता है ना कि बेसन थोड़ा सा महीन होता है तो आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा गीला भी हो सकता है, इसलिए पानी को पहले थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक ही बार में मत डालें। देखिए थोड़ा सा मुझे पानी कम लगा तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देख सकते हैं जो हमारा बैटर है वो बन के रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि जो ब्रेड के स्लाइसेस थे उसे क्या करेंगे कि इसमें डिप करेंगे और चारों तरफ अच्छे से कोट कर लेंगे और उसके बाद से कढ़ाई में फ्राई करने के लिए हम इसे डाल देंगे। तो कढ़ाई मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, बिल्कुल हाई फ्लेम पर मैंने तेल को गर्म कर लिया है। उसके बाद से इसमें डाल देंगे एक एक करके अपने ब्रेड को, ये देख सकते हैं जितना आए, बहुत ज़्यादा इसमें ऐड मत करें, जितना आ सके उतना ही डालिएगा। तो मैंने 4 ब्रेड यहाँ पे डाले हैं, ये देख सकते हैं। और जब अच्छे से नीचे से सिक जाए ना तभी इसको फ्लिप करिएगा, ये देख सकते हैं थोड़ा सा चिपकने जैसा हो गया है, बट कोई नहीं, आराम से ये निकल जाते हैं। वो क्या होता है कि अगर गैस की फ्लेम आपने लो रखी है, तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ, अगर डालते हैं
तो इसमें वो चिपक जाएगा। हाई फ्लेम पे तेल को पहले अच्छे से गर्म करें, उसके बाद से एक एक करके अपने ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उसे डालें, उसके बाद से अच्छे से इसको फ्राई कर लें गोल्डन ब्राउन आने तक। तो ये देख सकते हैं एक एक करके मैंने नीचे से जब सीख गया था ना तो फ्लिप कर दिया है, और थोड़े से ये फूल से भी गए हैं। ये देख सकते हैं चारों तरफ से ना अच्छे से इसे हम सेक लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने चारों तरफ अच्छे से सेक लिया है, और जो हमारा ब्रेड का नाश्ता है ना वो बन के रेडी हो चुका है। ऐसे अपने सारे स्लाइसेस को ऐसे फ्राई कर लेंगे और ये हमारा एकदम स्वादिष्ट ब्रेड का नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसे चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या फिर बारिश का मौसम आया हो तो चाय और ये नाश्ता आप इंजॉय कर सकते हैं। ग्रीन चटनी के साथ ही आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो मैंने फ्राई कर लिया, अभी 3 कढ़ाई में पड़े हैं, मतलब फ्राई हो रहे हैं। और ये देख सकते हैं हमारा ब्रेड और आलू का नाश्ता जो है बन कर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी ब्रेड आलू की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।